नमस्कार दोस्तों ऑटोमेशन जीवन के लगभग हर क्षेत्र में शामिल हो रहा है कृषि से लेकर अंतरिक्ष में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है आज के दौर में विश्व स्तर पर कंपटीशन है इसमें जीवित रहने के लिए प्लांट ऑटोमेशन आवश्यक है ऑटोमेशन मूल रूप से टेक्निकल इक्विपमेंट्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है जिससे हमें लाभ मिलता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा क्वालिटी अच्छी होगी लेबर कॉस्ट कम होगा ऑटोमेशन में कंट्रोल किस किस से होता है ये हम देख सकते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूजिंग लॉजिक गेट्स हार्ड वायर्ड लॉजिक कंट्रोल न्यूमेटिक कंट्रोल मैनुअल कंट्रोल मैनुअल कंट्रोल क्या होता है ऑल द एक्शंस रिलेटेड टू प्रोसेस कंट्रोल आर टेकन बाय द ऑपरेटर्स इसका ड्रॉबैक्स होता है इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है जिससे प्रोडक्ट के क्वालिटी में इफ़ेक्ट आ सकता है सेफ्टी प्रॉब्लम हो सकता है रॉ मटेरियल का मिसयूज हो सकता है न्यूमेटिक कंट्रोल ये प्रोसेस 1920 में स्टार्ट हुआ था इससे कंट्रोलिंग बहुत ही सिंपल होता है न्यूमेटिक वाल्व कंट्रोल किया जाता है रिले और स्विच के थ्रू ड्रॉबैक इसका है बल्कि एंड कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूजिंग लॉजिक गेट्स ये नाइनटीन सिक्सटीज में स्टार्ट हुआ रिलेज एंड ऑगजलरी कॉन्टेक्टर्स सर्किट को लॉजिक गेट्स के द्वारा चेंज किया गया हार्डवेयर टाइमर्स एंड काउंटर्स रिप्लेस किए गए इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स से इसके एडवांटेज है रिड्यूस स्पेस एनर्जी सेविंग एंड लेस मेंटेनेंस ड्रॉबैक्स है नॉट इजी टू कंट्रोल लॉजिक चेंज मोर प्रोजेक्ट टाइम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स के फ़ायदे हैं इन 1970 सेवेंटी प्रोसेसर एंड पेरीफेरल चिप्स का विस्तार हुआ और ऑटोमेशन का विस्तार हुआ इंडस्ट्रीज में जिससे ऑटोमेशन इस्टब्लिश करना आसान हो गया पी के द्वारा एडवांटेज ऑफ पी एल सीज रिड्यूस स्पेस एनर्जी सेविंग ईजी ऑफ मेंटेनेंस इकोनॉमिकल आसान हो गया ग्रेटर लाइफ एंड रिलायबिलिटी शॉर्ट प्रोजेक्ट टाइम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कम्पोनेंट्स हैं फील्ड इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल हार्डवेयर कंट्रोल सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन इंस्टॉलशन में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स प्रोसेस आप देख सकते हैं एस्कारा सॉफ्टवेयर होता है जो कम्युनिकेशन केबल के थ्रू होता है कंट्रोल हार्डवेयर होता है फील्ड केबलिंग होता है जंक्शन बॉक्स होता है फील्ड केबलिंग होता है जिसका और सेंसर प्लेस्ड इन द फील्ड ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है सेंसर डिटेल्स आप देख सकते हैं आर थर्मोकपल्स प्रेशर ट्रांसमीटर फ्लो ट्रांसमीटर लेवल ट्रांसमीटर कंडक्टिविटी मीटर डेंसिटी मीटर पीएच ट्रांसमीटर ये सभी मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं ये फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले कंपनी के नाम हैं जो आप देख सकते हैं ये कंट्रोल हार्डवेयर के नाम हैं पीछे के स्लाइड में दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स को क्लोज लूप में काम करने के लिए पीआईडी का यूज़ किया जाता है पीआईडी का फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव्स ये हमने दिखाया है कि पीआईडी कंट्रोलर्स कैसे क्लोज लूप में काम करता है पीआईडी कंट्रोलर्स बनाने वाले कंपनी के ये नाम हैं पीएलसी कैसे काम करता है इसका मैंने डिटेल्स में पीएलसी के बारे में बहुत सारे पार्ट्स बनाए रखे हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री आप मेरे चैनल में पीएलसी लिस्ट में जा के देख सकते हैं प्रोग्रामिंग पीएलसी के द्वारा डिफरेंट लैंग्वेज में किया जाता है इनके नाम है लेटर लॉजिक स्ट्रक्चर टेक्स इंस्ट्रक्शन लिस्ट सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट एंड फंक्शन ब्लॉक डाइग्राम हमने ग्यारह नंबर स्लाइड्स में ऑटोमेशन इंस्टॉलेशन देखा था उसमें एस्काडा था एस्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्जाइजेशन सॉफ्टवेयर इससे आसान हो जाता है फील्ड इवेंट ऑटोमेशन को समझना और इसके द्वारा हम सभी मशीनों के एक्टिविटी को देख सकते हैं और फील्ड इंस्ट्रूमेंट के बिहेवियर को समझ सकते हैं सम ऑफ द लीडिंग स्काडा सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ बताए गए हैं मुझे उम्मीद है कि आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू